नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद बवाल मच गया है। सरकार की खूब किरकिरी हो रही है, वहीं पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे लगातार उठते रहें। इसी बीच नीतीश कैबिनेट के भी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने पुलिसिया तंत्र को बेफजूल बता दिया और कहा कि बिहार में पुलिसिया तंत्र काफी कमजोर हो गई है। उन्हें आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिसिया तंत्र मजबूत होता, पुलिस महकमा सचेत होता, पेट्रोलिंग कर रहा होता तो इस तरह का कांड जो है वो नहीं हुआ होता। आपको बता दें कि परिजन भी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पहले मामूली झड़प हुई थी, उसके बाद हत्याकांड हुआ था और परिजनों का ये आरोप था कि उन्हें बकायदा पुलिस को कॉल किया था, थाने को कॉल किया था, लेकिन वो तब आई जब हत्याकांड हो चुका था, जैसा कि अक्सर होता है। इस तरीके से नीरज सिंह बबलू ने नीतीश कुमार पर करारा निशाना साधा है, क्योंकि आपको पता होगा गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है और गृह मंत्रालय पर सवाल उठाना, पुलिसिया तंत्र पर सवाल उठाना, ये कह देना कि पुलिसिया सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, तो ये सीधे सीधी जो है नीतीश कुमार पर अटैक है। और आपको पता होगा बीजेपी शुरुआती दौर से ही नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय को लेकर घेरती रही है और उसकी नजर भी गृह मंत्रालय को लेकर है। तो इस तरीके से नीतीश कैबिनेट के ही मंत्री जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, राजपूत मंत्री नीरज सिंह बबलू ने, उन्होंने बकायदा पुलिसिया तंत्र को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप खुद सुन लीजिए। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस के निकम्मापन की वजह से ऐसा घटना घटा है और अभी तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी दुखद बात है। इस तरीके से बीजेपी कह सकते हैं ने नीतीश कुमार पर अटैक किया है और ये पहली दफा नहीं है। आपको पता होगा शुरुआती दौर से ही संजय जायसवाल ने एक बार कह दिया था कि बिहार में पुलिस जो है वो अपराधियों की सुनती है, आम लोगों की नहीं, और एक के बाद एक, चाहे वो संजय पासवान हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, वो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। और हम बार बार आपको एक खबर बता रहे हैं कि इस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर बीजेपी की नजर है। हालांकि इस मसले को लेकर बीजेपी खुद फंसी नजर आ रही है, क्योंकि बकायदा पिता ने भी ये बात कह दिया है कि इस हत्याकांड के लिए बीजेपी नेता जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं खुले तौर पे कह सकता हूं और बिना किसी खौफ के कह सकता हूं, अगर मुझे भी कोई मरवाना चाहे तो मरवा सकता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये अलग बात है कि इसको लेकर बीजेपी ज्यादा आक्रामक नहीं होगी और डिफेंसिव मूड में होगी, लेकिन जब भी कानून की बात आती है, कानून राज की बात आती है, पुलिसिया तंत्र की बात आती है, तो बीजेपी लगातार हमलावर रहती है। एक बार फिर से बीजेपी ने पुलिसिया तंत्र को लेकर सवाल निशान खड़ा कर दिया है और आने वाले वक्त में इस पर सियासी रंग तो चढ़ ही गया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जाएगा। और जेडी भी चाहेगी कि इस मसले को लेकर के कि जब पिता ने खुद इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है तो बीजेपी पर ही ठिकरा फोड़ दिया जाए, तो आने वाले वक्त में अब ये कोई नया राजनीतिक दिशा जो है वो तय कर सकता है। आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।